किसी ज़माने में एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया तो उससे पूछा गया कि इस्लाम की किस बात ने तुझे मुतासिर किया, तो वो बोला कि सिर्फ एक वाकया मेरी हदायत का सबब बन गया। कहा, मजलिस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लगी हुई थी, लोगों का हजूम था। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कर दें, मेरा बच्चा कई दिनों से मिल नहीं रहा, मिल जाए। कबल उसके कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उठते, एक शख्स मजलिस में मौजूद था, वो खड़ा हो गया। कहने लगा, हुजूर मैं अभी फला फला बाग से गुजर कर आया हूँ, इसका बच्चा वहाँ बच्चों के साथ खेल रहा था। बाप ने जब ये सुना कि मेरा बच्चा फला बाग में है तो उसने दौड़ लगा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको रोको, वापस बुलाओ। उसने कहा, हुजूर आप जानते हैं कि एक बाप के जज्बात क्या होते हैं। आपने फरमाया, कहा मैं अच्छी तरह से आगाह हूँ, बुलाने का भी एक मकसद है। उसने कहा, जी हुजूर अरशाद फरमाइए। कहा, जब बाग में जाओ बच्चों के साथ, अपने बच्चे को खेलता हुआ देख लो तो बेटा बेटा कहकर आवाज़ें ना देने लग जाना। जो नाम रखा है उस नाम से पुकारना। वो शख्स फरमाने लगा, या रसूल अल्लाह वो मेरा बेटा है, बेटा कहकर बुलाऊं तो हर्ज भी क्या है उसमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उससे कई दिनों के बिछड़े हुए हो, तुम्हारे लहजे में बला का रस होगा और तुम नहीं जानते कि खेलने वालों में कोई यतीम भी हो, और जब तुम अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारोगे इतना मीठा लहजा होगा तो उसके दिल पर चोट लगेगी और वो कहेगा कि काश आज मेरा भी बाप होता, मुझे बेटा कहकर पुकारता। फरमाया, ये शौक घर जाकर पूरा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार ना करो, गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश करने से रोका गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अपने गोश्त की खुशबू से अपने हमसाए को तंग ना करो। ये मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसास है। मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का एहसास करना शुरू कर दें, उनका ख्याल करना शुरू कर दें। आप में जो कुछ भी है, आपके पास जो कुछ भी है, उसको अपने तक रखें, दूसरों के सामने उसकी नुमाइश ना करें, दूसरों के सामने उसकी नुमाइश करके उनके दिलों पर चोट न लगाएं।